दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आपने अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करा लिया है? क्या आपने म्यूचुअल फंड या डीमैट खाते में नॉमिनी का नाम दे दिया है? क्या आपने SBI, IDBI, इंडियन बैंक की स्पेशल FD स्कीम का फायदा उठाया है? अगर नहीं तो दिसंबर में ये सारा काम कर लीजिए। ऐसा करना क्यों जरूरी है ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दिसंबर में केवल 2023 कैलेंडर साल ही नहीं समाप्त हो रहा है, बल्कि फ्री आधार अपडेट, म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते में नामांकन, कुछ बैंकों की विशेष FD की समय सीमा भी समाप्त हो रही है। यहां हम पैसों से जुड़े कामों की अंतिम समय सीमाओं पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला काम जो आपको करना है वो है फ्री आधार अपडेट। आपके आधार विवरण को फ्री ऑनलाइन अपडेट करने की अंतिम तिथि है 14 दिसंबर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI निवासियों को अपने जनसांख्यिकीय विवरण को फिर से मान्य करने के लिए पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण यानी POI या फिर POA दस्तावेज अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, खासकर यदि आधार 10 साल पहले जारी किया गया था और कभी अपडेट नहीं हुआ है तब। अपने आधार विवरण को अपडेट करने के लिए आपको राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, किसान फोटो पासबुक, भारतीय पासपोर्ट या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र या प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज माई आधार पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। आधार केंद्र पर दस्तावेज जमा करने के लिए शुल्क के तौर पर ₹50 देने होंगे। तो ऑनलाइन फ्री में अभी आप अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं, 14 दिसंबर आखिरी तारीख है। दूसरा काम, संशोधित बैंक लॉकर समझौता करना है आपको बैंक के साथ। आपको बता दूं कि RBI ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं लॉकर समझौता को लेकर के। बैंकों के लिए सुरक्षित जमा लॉकर ग्राहकों के साथ एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने जनवरी में समय सीमा दिसंबर के अंत तक बढ़ा दी थी। रिजर्व बैंक का कहना है कि उसे जानकारी मिली है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों ने अभी तक संशोधित समझौते को पूरा नहीं किया है और उन्हें ऐसा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में बैंकों ने अभी तक ग्राहकों को 1 जनवरी 2023 से पहले समझौते के नवीकरण की आवश्यकता के बारे में सूचित ही नहीं किया है। इसके अलावा पूरी तरह से अनुपालन करने के लिए भारतीय बैंक संघ यानी IBA द्वारा तैयार किए गए मॉडल समझौते में संशोधन की आवश्यकता है। तो अगर आप बैंक में लॉकर रखते हैं तो अपने बैंक के साथ संशोधित लॉकर समझौता कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए प्रावधान जोड़े गए हैं जो कि ग्राहकों के फायदे के लिए हैं, ग्राहकों के हित के लिए हैं। तीसरा काम जो आपको करना है वह है म्यूचुअल फंड और डीमैट में नॉमिनी जरूर दे दे। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है या फिर डीमैट खाता के जरिए आप शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं, तो अगर अभी तक आपने उसमें नॉमिनी का नाम नहीं दिया है तो जरूर दे दें। मौजूदा डीमैट खाता धारकों और म्यूचुअल फंड यूनिट ग्राहकों के लिए नामांकन का विकल्प प्रदान करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 है। इससे पहले म्यूचुअल फंड फोलियो या डीमैट खाते के लिए नामांकन या नामांकन से बाहर निकलने की समय सीमा 30 सितंबर 2023 थी। सेबी द्वारा इसे 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सेबी ने अपनी वेबसाइट पर कहा है, अगर आप 31 दिसंबर 2023 तक नामांकन नहीं करते हैं या नामांकन से बाहर नहीं निकलते हैं तो आपका फोलियो या डीमैट खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि न तो आप म्यूचुअल फंड अपना बेच सकते हैं और न ही कोई नया म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं। उसी तरह से अगर डीमैट खाता फ्रीज कर दिया जाता है तो डीमैट खाता के जरिए न तो आप अपने मौजूदा शेयर को बेच सकते हैं और न ही कोई नया शेयर खरीद सकते हैं। तो अगर फ्रीज से बचाना हो म्यूचुअल फंड फोलियो को या डीमैट खाते को तो 31 दिसंबर 2023 तक अपने डीमैट खाते में, अपने फोलियो खाते में नॉमिनी का नाम जरूर दे दे, या फिर अगर नॉमिनी का नाम नहीं देना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन जरूर दे दें। अब नामांकन क्या है? तो नामांकन एक व्यक्तिगत निवेशक को एक व्यक्ति को नामांकित करने में सक्षम बनाता है जो निवेशक की मृत्यु की स्थिति में उसके डीमैट खातों में रखी गई प्रतिभूतियों या म्यूचुअल फंड इकाइयों के संबंध में मोचन आय का दावा कर सकता है, मतलब रिडीम इनकम का दावा कर सकता है, यानी उससे बेचकर जो कमाई होती है उस पर दावा कर सकता है एक नॉमिनी। चौथा काम है कि निष्क्रिय UPI ID।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे पेमेंट ऐप्स और बैंकों को एक साल से अधिक समय से निष्क्रिय यूपीआई आईडी और नंबरों को 31 दिसंबर तक निष्क्रिय करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का मकसद अनअपेक्षित प्राप्तकर्ताओं को आकस्मिक धन हस्तांतरण को रोकना है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कार्रवाई करनी होगी और उन्हें 31 दिसंबर 2023 तक लागू करना होगा। पांचवा काम जो आपको करना है वह है एसबीआई अमृत क्लस एफडी का फायदा उठाना। एसबीआई का अमृत क्लस विशेष सावधि जमा 7.60% तक ब्याज देती है। इसमें निवेश करने की आखिरी समय सीमा 31 दिसंबर है। अमृत क्लस विशेष सावधि जमा देश के सबसे बड़े बैंक की 400 दिवसीय सावधि जमा स्कीम है। एफडी आम जनता के लिए 7.1% की ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60% की ब्याज दर दे रही है। छठा काम जो आप कर सकते हैं वह आईडीबीआई उत्सव एफडी का फायदा उठाना। आईडीबीआई बैंक ने अपने उत्सव एफडी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। बैंक की वेबसाइट के अनुसार एफडी को पहले 375 दिनों और 444 दिनों की अवधि के लिए अमृत महोत्सव एफडी कहा जाता था, जिसमें 7.60% और 7.75% तक ब्याज मिल रहा है। दरें 12 नवंबर से प्रभावी हैं। और सातवां काम जो आपको करना है वह इंडियन बैंक की विशेष एफडी का फायदा उठाना। इंडियन बैंक ने 8% तक ब्याज दरों की पेशकश करने वाली अपनी विशेष सावधि जमा योजनाओं इंड सुपर 400 और इंड सुप्रीम 300 दिन की समय सीमा भी 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। तो दिसंबर में पैसों से जुड़े बहुत सारे काम आपको करने हैं, उसको जरूर कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।